गांव में हम कंप्यूटर्स लगा भी देंगे तो भी शायद गांव का जो हमारा कस्टमर है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। उसको ब्रांच में आकर, ब्रांच में थोड़ी देर वेट करके और लोगों से बात करके तब अपने काम करने में ज़्यादा शांति मिलेगी, बजाय इसके कि एटीएम में पहुंचा, कार्ड लगाया और पैसा निकाला। वो अभी ना तो इतना उसके पास समय का प्रेशर है और ना ही वो जो है वो ह्यूमन टच को ख़त्म करना चाहता है। ही विल बी मोर कम्फर्टेबल व्हेन ही मीट्स द पर्सन अक्रॉस द काउंटर, चाहे वो 10 मिनट उसको लाइन पे खड़ा रहना पड़े। लेकिन आप उससे कह दो कि मशीन में चले जाओ और एटीएम पे लगा दो तो उसको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत गपशप होनी चाहिए। बात सही है। तो सुबह सुबह आप लगता है पहले भी देखते रहे हैं हाँ, सुबह सुबह तो मैं क्योंकि उसमें वो लिखे लिटरेचर लगता है। बनावटी लगता है, क्योंकि रिपीटेशन, क्योंकि एवरी डे यू आर ओपनिंग विद सर्टेन, तो वो अब जैसे लगता है जैसे इम्पोज हो रहा है, भारी पड़ रहा है उन लोगों को भी कहते कहते, मैं भी हाँ ये आप क्योंकि एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ते तो वो चीज़ सही उसमें लगती है। ब्रेक्स होने चाहिए। उसमें ब्रेक्स होने चाहिए, उसके अंदर इनको कोई दूसरा स्टाइल लाना चाहिए, स्टूडियो टाइप हो गया कि स्टूडियो मतलब टाइम। हाँ, फिर दोनों एक ही साथ बोलेंगे सुबह सवेरे। इफ़ यू आर यूजिंग दिस, मतलब अगर आप डेली देख रहे हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये वैसे ऐसे चलेगा। तो वो जो एक फ्रेशनेस है मॉर्निंग में, यू नीड ए फ्रेश थिंग, वो फ्रेशनेस ख़त्म हो रही है बिकॉज द ओपनिंग फॉर्मेट इज़ द सेम। अच्छा वो जो बोलते हैं हमारे एंकर्स बोलते हैं मधुकर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो बैंक्स जो है कब से सोना बेच रहे हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अब तक क्या अनुभव रहा है इसमें। कुमार साहब, बैंकों ने सोना जो है वो 1997 के दूसरे छमाही में बेचना शुरू किया, और भारतीय स्टेट बैंक का अभी तक का अनुभव जो है वो काफ़ी संतोषजनक रहा है। दिल्ली से हम लोग करीब करीब 7 प्रदेशों में सोना जो है होलसेल मार्केट के लिए भी बेच रहे हैं, और करीब 15 या 20 ब्रांचेस के ज़रिए जो है वो रिटेल मार्केट के लिए सोना बेच रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि बैंकों ने जो सोना बेचने का सिलसिला शुरू किया है उसके पीछे क्या रीज़न है। और बैंकों ने जो सोना बेचना शुरू किया उसके पीछे एक तो भारत सरकार की मान्यता है, दूसरे एक भारत की जो सदियों से जो मानसिकता रही है वो एक कारण रहा है। एक शब्द में मैं कहूँ कि भारत हमेशा से सोने की चिड़िया जाना जाता रहा। अब भी भारत में जो सोने की खपत है वो और देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। इस वर्ष में 1997 में उम्मीद है कि 12,000 टन सोना जो है वो भारत में खरीदा गया। तो ये सोना जब आदमी के पास आता है तो हर व्यक्ति जो है वो कोशिश करता है कि उसको शुद्ध सोना मिले। बैंकों के द्वारा सोना रिटेल मार्केट में उपलब्ध कराने का और भारतीय स्टेट बैंक का भी उद्देश्य यही है कि 24 कैरेट या 100% प्योरिटी का सोना जो है वो प्रति व्यक्ति को मिल सके। दूसरा उद्देश्य ये भी है कि भारतीय एक्सपोर्ट जो हैं उसमें सोने के जेवर और तरह तरह के और चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। करीब करीब 18% एक्सपोर्ट का अब जेम्स एंड ज्वेलरी का हिस्सा हो गया है। तो अगर इस सोने को हम अपने बैंकों के ज़रिए दूर दराज के शहरों में भी बेचना शुरू करेंगे तो वहाँ से भी, वहाँ के जो गोल्ड स्मिथ हैं, स्वर्णकार हैं, वो इसको बेचकर एक्सपोर्ट के लिए काम कर सकते हैं। अगर सोना के बारे में है कि सोना एक निवेश भी है और आप लोगों ने भी काफ़ी इस तरह का कुछ कार्यक्रम बनाया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सोने को निवेश के रूप में स्थापित करने के लिए कोई पासबुक स्कीम जैसा कुछ शुरू करने हाँ वाले हैं। कुमार साहब, ये आपने बड़ा सुंदर सवाल किया। ये बात हम लोग की जो सबसे प्रमुख बात ये है कि सोना हर एक व्यक्ति के पास अभी तक जो खरीदा गया है वो उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा है, लेकिन
उसको मुद्रा में बदलने के लिए उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं है सिवाय इसके कि बाज़ार में जाए और उसको बेच सके। तो जो हम स्कीम जो भारत सरकार भी जो सोच रही है, जो स्कीम आ रही है, उस स्कीम के अंदर हम लोग ये सोच रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को जो सोना खरीदेगा उसको एक पासबुक इशू कर दी जाएगी। उस पासबुक में जब वो सोना खरीदेगा तो उतना मात्रा का सोना उसमें दर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन उसको सोना अपने घर लाने की ज़रूरत नहीं है, वो सोना बैंक में ही रखा रहेगा। जबकि उसको सोना बेचना होगा तो वहीं वो बेच देगा और पासबुक में उतनी जो उसकी जो बिक्री है वो उसमें कर दी जाएगी और जो धन है वो उसको दे दिया जाएगा। इस प्रकार सोने को बिना घर में ले जाए हुए वो खरीद और बेच सकता है। ये जो है वो पासबुक जो प्रणाली जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस तरह से जो इतने टन हज़ारों टन जो सोना भारत में पड़ा हुआ है प्रति व्यक्ति के पास जो सोना, वो अगर इस प्रणाली को अपनाएगा तो जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी वो बिना बाज़ार में जाए हुए उस पैसे से उसको पैसे में बदल कर अपना काम चला सकता है। अच्छा, ये पासबुक प्रणाली कब से शुरू हो जाने की उम्मीद है? इसके पासबुक प्रणाली के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने तो एक योजना बना ली है और उसको अब रिज़र्व बैंक में भेजा गया है। जब वहाँ से इसके बारे में सैंक्शंस आ जाएंगी उसके बाद ये शुरू कर दिया जाएगा। मेरे ख़्याल से इस साल के मध्य तक ये स्कीम जो है भारतीय स्टेट बैंक संभवतः शुरू कर पाएगा। अच्छा, जैसे सराफा बाज़ार में रोज़ सोने के भाव घटते हैं बढ़ते हैं जी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कारोबार करती है सोने का जी, उसमें क्या वो किस तरह से वो रेट्स को डिसाइड करती है? सोने का जो भाव है वो अंतर्राष्ट्रीय भाव होता है जो कि रॉयटर स्क्रीन के ज़रिए कहीं भी देखा जा सकता है। इस भाव को हम लोग जो हैं जब देखते हैं तो उसी पर अपना जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो जोड़कर उसको बेच देते हैं। इस तरह से स्टेट बैंक के ज़रिए जो सोना बेचा जा रहा है उसमें जो सोने की जो दर है, सोने की जो कीमत है, वो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से बिल्कुल ही नज़दीक रहती है। तो भारतीय बाज़ार की जो गड़बड़ियाँ होती हैं जो ये चीज़ हाँ नहीं आएगी। हाँ, इस तरह से जो साधारण व्यक्ति है, साधारण आदमी है, साधारण कंज्यूमर है, उसको भी बिना इस बात की फिक्र किए हुए कि मार्केट में क्या सोना है, अगर वो भारतीय स्टेट बैंक में जाता है तो उसको ये पूरी गारंटी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय ही कीमत पे सोना और पूर्ण शुद्धता से 99.9% प्योरिटी से वो खरीद रहा है। वो कितना सपोर्ट कर रहा है अब गांव वाले को, एक छोटे शहर वाले को जो है वो इनके अलावा सही बात है। और दूसरी बात वैसे ये भी है कि बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल, गर्ल इज मोर, बोथ द गर्ल्स आर बेटर, मोर फ्रीक्वेंट देन द बॉयज, नॉट द बॉयज। ये तो मैंने वो एक लाख थोड़ा था। अच्छा, इस मतलब सुबह सवेरे में आने के बाद उसको फिल्म मिली है। अच्छा, उसमें कबूतर है क्यों रखी गई है, उसका क्या आइडिया कुछ होगा? वैसे वो 7 बजे का जो है मैं उसको बड़ा गौर से देखता हूँ, जो कि वो सन डायल है।